देखेंगे कि बैलेंसी के अकॉर्डिंग या बैलेंसी के द्वारा हम किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया? हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है ना। तो K में कितने सेल जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक ही तो भरा जाएगा, ठीक है ना, एक ही तो भरा जाएगा। तो इसकी इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी बैलेंसी भी क्या होगी? 1। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई? 1, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बैलेंसी ले लें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17, और 17 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन। कितने? 17 इलेक्ट्रॉन। इसकी कन्फिगरेशन करिए जरा, KLM। तो बेटा देखो जरा, K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है ना। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो कितने बचे हमारे पास? बचे 15 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसमें कितने भरे जाते हैं L में? 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, हमने इसमें कितने भर दिए? 8। ओके, अब 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें कितने फिल होंगे? 7। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारे इसकी बैलेंस सेल क्या होगी? बैलेंस सेल हो जाएगी बेटा M, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। ओके, अब इसकी बैलेंसी क्या होगी? क्योंकि क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, तो और नॉन मेटल की बैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नॉन मेटल की बैलेंसी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो करते थे, तो 8 माइनस 7, तो इसकी बैलेंसी कितनी आ गई बेटे? 1, ठीक है ना, कोई परेशानी। अगर अब हम हाइड्रोजन की और क्लोरीन की रिएक्शन कराना चाहें, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, क्लोरीन की बैलेंसी 1, इन दोनों के पार्ट और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, एच चला गया 1 के पास, सी एल चला गया, ठीक है ना। तो क्या बन गया? एच सी एल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, गुड। अब देखो मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने, इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के, ठीक है ना, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की, उसकी भी निकाल लेते हैं बेटे। चलो देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है ना। इसमें चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 6, इसमें चले गए 6। तो ऑक्सीजन की बैलेंस सेल कौन सी होगी? L, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। और क्योंकि ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, तो बेटा इसको भी 8 से माइनस किया जाएगा, 8 माइनस 6, कितनी बैलेंसी बची बेटा? 2। ओके, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चला गया आपका हाइड्रोजन के पास, 1 चला गया ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा? H2O। एनी प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं वाटर, ये तो बनाया था अभी हमने। ओके, ऐसे ही अगर हम कार्बन की और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराना चाहें, किसकी? कार्बन की एंड ऑक्सीजन की। ओके, चलिए, तो ऑक्सीजन की भी बैलेंस कितनी निकाली बेटा हमने? 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के में, कितने बचे? 4। तो इसका बैलेंस सेल कौन सा होगा? बैलेंस सेल होगा L, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये भी नॉन मेटल है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इसकी बैलेंसी भी 4 हो गई। ऑक्सीजन की बैलेंसी बेटा कितनी? कार्बन की बैलेंसी कितनी? 4। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी? 2। इनको अगर हम चाहें तो कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, ठीक है ना। अब कार्बन की बैलेंसी बची 2, ऑक्सीजन की बैलेंसी बची 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बचा बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज क्लियर हुआ? तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन में आपने क्या देखा कि किसी भी एटम के जो एक्चुअली बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए जब ये आप बाद में ब्रेक होंगे, कार्बन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, तो दोबारा से ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 हो जाएगी और कार्बन की बैलेंसी हो जाएगी बेटा 4। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तब तक इसको पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। हाँ, आपको होमवर्क है कि आप
30 एलिमेंट्स के नेम, उनके नेम, उनके मास, सिंबल एंड सिंबल, उसके बाद बेटा इसके आप कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के लाएंगे, ठीक है ना। और कॉन्फ़िगरेशन के बाद बेटा इसकी बैलेंस ही भी आपको याद होनी चाहिए। आई विल सेंड अ चार्ट, ओके, आई विल सेंड अ चार्ट टू द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। सो वहां से आप कुछ कंपाउंड्स की भी बैलेंस ही देख पाएंगे और फॉर्मूले को तैयार कर पाएंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।